एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, क्या आपको भी मेरी तरह तुर्किश ड्रामा देखना बहुत ही पसंद है, लेकिन ज्यादा एपिसोड होने की वजह से हम इसे नहीं देख पाते? तो चलिए आज मैं आपको उन तुर्किश ड्रामों के नाम बताऊंगी जिसे मूवी में कन्वर्ट किया गया है एंड आप आराम से इसे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जलन का। ये स्टोरी है इल्माज, जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है। वो आइलैंड पे घर बना के रहना चाहता है। उसे कोई भी लग्जीरियस घर नहीं चाहिए, एक सिंपल सा जगह चाहिए ताकि वो वहाँ सुकून से रह सके। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है एलिफ से। दोनों ही शादी करने का डिसाइड करते हैं और शादी होने के बाद एलिफ का मिसकैरेज हो जाता है और उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है, और ये जीने की वजह का ड्रामा फिल्म है। सो गाइस, इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो है इश्क। अजरा, जो कि केरिम से प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है, लेकिन अजरा की मदर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती और अजरा को केरिम से रिश्ता खत्म करने को कहती है, जिसकी वजह से अजरा केरिम से छुप छुप कर मिलने लगती है। पर दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है जब शबनम की एंट्री होती है, जो कि काफी ज्यादा रिच है, और शबनम केरिम को पसंद करने लगती है। अजरा को पता चलता है कि शबनम को एक सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से वो सिर्फ 6 महीने ही जिंदा रहेगी, जिसके बाद वो केरिम को शबनम से शादी करने के लिए कहती है। केरिम, अजरा शबनम को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने ख्वाब पूरा करने के लिए, लेकिन क्या होगा जब शबनम को इसकी सच्चाई पता चलेगी? ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा मूवी देखना होगा, और ये अस का ड्रामा फिल्म है। सो गाइस, इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है जिंदगी तमाशा। ये स्टोरी है छोटे बच्चे मेहमत जान की, जिसके पेरेंट्स लगातार लड़ते रहते हैं। मेहमत जान पूरी कोशिश करता है दोनों को मिलाने की। मेहमत जान को ब्लड कैंसर की बीमारी है। जब फैमिली को इस बात का पता चलता है तब सभी ही टूट जाते हैं, और आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। ये एक फुल फैमिली कॉमेडी ड्रामा है और ये छोटे उस्ताद का ड्रामा फिल्म है। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है सल्तनत का। ये स्टोरी है जेव डेड की, जो कि एक सोल्जर है और बेहद ब्रेव भी है, और अपनी वाइफ से वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। जेव डेड एक अच्छा फादर भी है, लेकिन उसे अपनी फैमिली और कंट्री में से किसी एक को चुनना होता है। ये ऑटोमन एम्पायर के एंडिंग के वक्त की स्टोरी है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा देखना पसंद है तो ये ड्रामा मूवी आपको ज़रूर देखना चाहिए। सो गाइस, इस लिस्ट में जो अगला और आखिरी नाम है वो है एरिना ऑफ किंग्स। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है और ये स्टोरी है मेहमत की, जो कि एक किंग है और अपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा चीट कर चुका है। मेहमत को इसमें रॉबिनहुड की तरह दिखाया गया है, और अगर आपको अर्थुगुल गाजी पसंद आया है, आपने उसे देखा है, तो ये मूवी भी आपको यकीनन पसंद आने वाली है। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।